हेलो सुमित्रा। हेलो शर्मिला। हो गए काम? आधे काम हो गए, आधे गंगू भाई के लिए छोड़ दिया। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। लेट लेट लेट, हमेशा ही लेट आती है। लो आ गए। आओ कहता है फिर से लेट। क्या करू तय, ट्रैफिक बहुत लगता है। रहने दो, अंदर आओ, बहुत सारे काम करने। नहीं नहीं नहीं, पहले मेरे यहाँ पे आएगी वो। बहुत काम है मेरे यहाँ पे। मेरे यहाँ पे भी होते हैं काम, वो भी बहुत सारे हैं। एक तो मेरा ब्रांडेड घर। चलो गंगू भाई, पहले मेरे यहाँ पे आएगी। इन्हीं की कमी थे। सच बहन, आप लास्ट आई हो, आपके यहाँ पे एकदम लास्ट। शर्मिला बहन, आप तो खुद के रूल्स निकाल दे हो। हाँ निकालूंगी। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं मेरी मर्जी से जाऊंगी, जहाँ पर भी जाऊंगी तो मैं मेरे हिसाब से चलती हूँ, आप किसी की नहीं। तो मैं सबसे पहले जाऊंगी शर्मिला ताई के घर। हाँ गो भाई आओ। सही सुनो ना। हाँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। वो सोसाइटी में गोरी मैम है ना, मेरी बात कर रही हो? मजाक बहुत अच्छा कर लेती होता है। आपकी बात नहीं कर रही मैं, वो सुनहरे बालों वाली। कहीं तुम जेनी की तो बात नहीं कर रहे? जेनी? हाँ वही वही। उसका क्या? वो मुझे दिखी। कहाँ पे? चौकत घूमने आई है वो यहाँ पे, और कुछ काम नहीं उसको। ताई अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई था। कौन 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 कौन? हो सांगते सांगते थाम बता जरा। वो क्या उसका नाम मैं भूल गई, वो काले गोगल वाला अभिजीत। अगो भाई अभिजीत? हाँ वो था उसके साथ। पता नहीं क्या कर रहे थे, मैंने ऐसे देखा, कुछ खा रहे थे। मैं चली आई, मैंने उसको पहचान लिया, वो दोनों को पहचान लिया। ताई दोनों को लफड़ा है क्या? नहीं नहीं हमको नहीं पता। ऐसा क्या करती हो ताई, बता दीजिए ना, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। गंगू भाई सच में हमको नहीं पता, अगर पता चलेगा तो तुमको भी पता देंगे। पहले हमें जरा जासूसी करने दो। तुम जाओ अपने काम करो। ठीक है ताई, अगर कुछ होगा तो बोल देना। ये जेनी तो बहुत आगे की निकली। कल भी दोनों गए थे, मैंने कान लगाया, कान पे आ गई मेरी बात। बोल रहे थे फिल्म देखने जाएंगे, पचीदा भी लिखाएंगे, ऐसा कुछ कुछ चल रहा था। इतना क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं काम कर रही थी। क्या बात कर रही हो, कल भी गए थे? अरे रे रे रे। देखो ना, जब शर्वरी के पापा है तब ये कुछ नहीं बोला। वो लेके जा रहे थे उसको, कुछ नहीं बोला, मुंह में दही जमा लिया। और जेनी जब जा रही थी कैसे रोक लिया। मुझे तो शर्वरी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी। क्या करे अब, क्या करे, क्या क्या करे। हमारी छोटी बहन जैसी है वो, उसका दर्द हमें बांटना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा ले लो शशि बहन, आप थोड़ा सा ले लीजिए, बचो मैं लेती हूँ। शुभ काम में देरी किस बात की, चलो 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 चलो। आ जाओ बहनों, आ जाओ। सुमित हंसो मत, मेरा मुंह ही वैसा है, मैं क्या करूं। शशि बहन आप भी हंसना मत। आप मेरी चिंता मत करो, मुझे शक्ल बहुत अच्छी बनाने आती है। वाह शशि बहन, थैंक यू। एक काम करो तुम ना, इसे चुंदरी वगैरह डाल दो आंखों में थोड़ा सा। हो सीरियस सीरियस है जरा, टॉपिक बहुत गंभीर है। हेलो शर्वरी जी। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अंदर आए। थैंक यू। की हाल हो, कोई खास बात है आप सब ऐसे अचानक? कोई खास बात नहीं, वो तो हम ऐसे आ गए। क्यों सुमित्रा? हाँ ऐसे आ गए ना। शर्मिला जी कुछ तो बात होगी, बिना बात के आप तो आते नहीं। हाँ बात है, और बहुत गंभीर बात है, वही करने के लिए आए हैं आपसे। देखिए शर्वरी जी, आप हमारी छोटी बहन जैसी हो, और आपका दुख वो हमारा दुख। अब कैसे बताऊँ मैं, आपका वो दोस्त बहुत मासूम दिखता है, पर वो उतना मासूम नहीं। काले गॉगल वाले की बात कर रही हूँ मैं। अभिजीत साफ साफ बोलिए बात क्या है। साफ साफ ही बोलती हूँ मैं, अभी साफ साफ ही बोल देती हूँ। सुमित्रा बोलो। आओ ये बात बताएंगी शशि बहन। शशि बहन मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे आने का आइडिया आपका था, आप ही बोलिए। कुछ काम की नहीं है, सब मैं ही करूँ, बस मजे लो। मैं ही बोलती हूँ, बुरा मत मानना शर्वरी जी, आपके भलाई के लिए बोल रही हूँ। आपका वो दोस्त बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं।
आप ठेरी मासूम सी और वो एक नंबर का फालतू। शर्मिला जी बकवास बंद कीजिए। देखिए मुझे पता था आप गुस्सा करेंगे इसलिए मैंने आपको बोला था। पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब आपके पापा आए थे तब वो आपको यहाँ से लेके जाने वाले थे और लेके जा भी रहे थे। मुझे वो काजल का सीन याद आ गया था। वो नहीं नहीं पापा मुझे छोड़िए वैसा वाला। आपके साथ भी वैसा ही हो गया। पर तब अभिजीत ने कुछ नहीं बोला। और जब मैंने जेने को घर से भगाया, जब जेने सोसाइटी से जा रहे थे तब उसने उसको रोक लिया। रोका तो रोका, अपने घर में रख लिया। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि जब आप जा रही थी तब उसने आपको क्यों नहीं रोका। हो नहीं, आपकी क्या गलती थी? आपको भी रोकना चाहिए था। आप तो उसके बचपन की दोस्त। बचपन वाली दोस्त का साथ यूं छोड़ दिया और 4-5 महीने पुरानी दोस्त का हाथ पकड़ लिया। यही बात हमको खटकी, बहुत खटकी। और बस हम आपको यहाँ पे खटकाने के लिए आपको समझाने के लिए आ गए। बहुत बुरा हुआ आपके साथ शर्मा जी, जैसे नहीं होना चाहिए था। अगर कुछ ज्यादा बोल गई हो तो बड़ी बहन के नाते समझ के माफ कर देना। मुझे फिक्र है वो आपकी, आप मेरी छोटी बहन जैसी हो। चलो हो गया काम। शर्वरी जी अपना ख्याल रखना। हाँ ए बहन, हमने जो भी बोला वो दिल पे मत लगाना। प्यार से बोले, प्यार से ले ले, दिल पे मत ले। बस जहाँ पे लेना है वहाँ पे ले, दिल पे मत ले। चलो हमने हमारा काम कर दिया। डाल दिया आग में घी। कुछ भी क्या बोल रही हो, हमने घी थोड़ी डाला है, हम तो उनका दर्द बांटने गए थे। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो तुम, काजल काजल कर रही थी वहाँ पे। आज तो मजा ही आ गया सबसे ज्यादा, कल से भी ज्यादा। बात तो सही की तुमने, कल से ज्यादा मजा आया आज। जेनी कहाँ गई थी? हम अभी चौक पे गए थे, वहाँ पे न्यू न्यू पानी पूरी वड़ा पाव इन सब के ठेले लगे हैं, काफी अमीर है। अच्छा बहुत घूम रही हो आजकल? या घर में मैं बहुत बोर हो जाती हूँ इसलिए बाहर घूमना सही रहता है। अभिजीत तुमको काम नहीं? आज तो मंडे, इसके लिए छुट्टी निकाली मैंने। अभिजीत तुमने जाने के लिए छुट्टी निकाली? वाह मानना पड़ेगा। नहीं हमारी शादी हो गई, हमारे पतियों ने आज तक हमारे लिए कभी छुट्टी नहीं निकाली, पर तुम अपनी दोस्त के लिए क्या क्या कर रहे हो? हो गई है शुरू। लकी हो आज नहीं, बहुत लकी हो। मान गई मैं अभिजीत को। अभिजीत जरा ऊपर तो आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है शर्वरी आता हूँ। जेनी शर्वरी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम जाओ घर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके अभिजीत। शर्वरी क्या हुआ? बहुत लंबी कहानी है जोया, तुमको बाद में बताऊंगी। ठीक है। ओ आएगा मजा, शर्वरी की दिल की आग अभिजीत को करेगी राग, हमारे दिल होंगे बाग बाग। बोलिए क्या खातिरदारी करें हम आपकी? अंदर जाओ। लगता है मैडम गुस्से में लग रही है। अंदर जाओ। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। अच्छा सुनो ना जोया, जब तक हमारी बात होती है तब तक तुम यहीं पे खड़े रहना, आसपास किसी को भटकने मत देना। तुम कोई फिक्र मत करो, मेरे रहते हुए यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। चलो चलो कोई लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सी बाबू क्या बात है, कहाँ जा रही है सोसाइटी की महिला मंडली? हम तो छत पे जा रहे थे थोड़ी धूप खाने, अभी ठंडी बज रही है ना, ठंडी के सीजन में बहुत ठंडी लगती है। हाँ ठंडी बहुत ठंडी है, ठंडी ठंडी पवन जाइए। हाँ चलो चलो छत पे चलो। रुको शर्मिला मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं नहीं आ रही। अभी मेरे भी पैर बहुत दुख रहे, जाना कैंसिल करते। चलो नीचे चलो, गैस के ऊपर बैठते।
गैस लगा के बैठते, क्या ये जोया सारा मूड धो दिया? और नहीं तो क्या, पता नहीं कब जाएगी वहां से। नहीं जाएगी, वो बहुत जिद्दी है। थ्री इडियट्स, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, पता नहीं अंदर क्या क्या बातें कर रहे होंगे। मेरी नकल मत काटो। बोलो क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे इससे? शर्वरी में तुमसे बात कर रहा हूँ। वहां तक कान भी तो नहीं जाते हैं, ये खड़ी है ना खंभे जैसे। सुमित्रा जी आपने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला मैंने, लोगों की आदत ही होती है बीच में बोलने की। आपको भी तो है कान लगाने की आदत। ओ मैडम, हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? क्या बोलूं, तुमने कुछ छोड़ा है बोलने के लिए? ओहो, लगता है तुम गुस्सा हो गई हो कल की वजह से। तुमको आना था क्या फिल्म देखने? बोलती लेके जाता। बोलो बोलो, सच बोलो, तुमको फिल्म देखनी थी क्या? बस अभिजीत, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। लगता है तुम जोया जैसे एकदम सीरियस बन गई हो। चुप बैठो। क्या यार शर्वरी, खुद तो कुछ बोलती नहीं, चुप बैठती हो, मुझे भी चुप रहने के लिए बोलती हो। वो जेनी को देखो, 24 घंटे उसका रेडियो ऑन रहता है। अभिजीत। ओ भाई अभिजीत। जेनी, वो दोनों अंदर बात कर रहे, उनको डिस्टर्ब मत करो। सॉरी, आई नो दैट, बट टीवी का रिमोट खो गया है, अभी अनुपमा लगने वाली है तो मुझे वो देखनी है। जेनी, तुम भी अनुपमा देखती हो? यस शर्मिला दीदी, मैं देखती हूँ अनुपमा। वाह 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 वाह, आज का एपिसोड तो बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या होगा। अभिजीत। जेनी, मैंने तुमको बोला था ना, इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं। या आई नो, सॉरी फॉर दैट, टीवी का रिमोट का है। मैं आता हूँ बाद में, दे दूंगा, रुको जरा। नो अभिजीत, मेरा एपिसोड मिस हो जाएगा। जेनी प्लीज अभिजीत। शर्वरी जाओ। शौते? एकदम शौते, जाओ। थैंक यू, दो मिनट में आता हूँ। वापस मत आना। शर्वरी।